राजनीतिक तौर पर आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हम उस खबर पर जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह खबर आई, अभिनेत्री सुचित्रा सेन नहीं रही। कोलकाता के अस्पताल में बीते 15 दिनों से इलाज करवा रही थी, दिल की बीमारी थी और हार्ट अटैक की वजह से आज सुबह 8:25 पर उनका निधन हो गया। सुचित्रा सेन दरअसल एक ऐसा नाम जो बंगाली सिनेमा से निकलकर हिंदी सिनेमा में जिसने ना सिर्फ दखल दी बल्कि ऐसी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई जो भारतीय सिनेमा के 100 बरस में एक अमिट छाप छोड़े हुए हैं। सुचित्रा सेन खास तौर से जब हिंदी सिनेमा में नजर आई थी, वो पहली फिल्म अगर देवदास थी तो दूसरी फिल्म आंधी, जिसके दृश्य भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये आंधी फिल्म 1974 में बनी थी। याद कीजिए 1974 का वक्त, इंदिरा गांधी का दौर, और इस फिल्म में राजनीतिक तौर पर पहली बार कोई ऐसी फिल्म आई थी जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद को या प्रधानमंत्री को ही सिल्वर स्क्रीन पर उतारने की कोशिश सुचित्रा सेन के जरिए हुई थी। इंदिरा गांधी की अदाकारी इन्होंने जी थी और अपने तरीके से ये एक राजनीतिक फिल्म इतनी हिट रही थी कि फिल्म फेयर अवार्ड उस वर्ष सुचित्रा सेन को ही दिया गया था।